वर्टाइगो या चक्कर आना एक खास किस्म की कंडीशन है जो डिफरेंट पेशेंट्स रोजमर्रा जिंदगी में क्लिनिकली प्रेजेंट करते हैं। ये प्रॉब्लम जो है आम तौर पे खुद तो एक बीमारी नहीं है, बट बॉडी के अंदर पहले से मौजूद एक बीमारी वर्टाइगो का सबब बन सकती है। वर्टाइगो या चक्कर आने की कई वजूहात हो सकती हैं। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि वर्टाइगो क्या होता है, उसकी डिफरेंट टाइप्स क्या हैं और कौन कौन सी होम्योपैथिक रेमेडीज वर्टाइगो को ट्रीट करने के लिए इफेक्टिवली इस्तेमाल की जा सकती हैं। तो चलते हैं आज के वीडियो की जानिब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द हीलर्स। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं वर्टाइगो के बारे में। और वर्टाइगो बेसिकली कहते हैं जब आपको अपने इर्द गिर्द की जो चीज़ें हैं वो घूमते हुए महसूस होती हैं। तो आमतौर पे वर्टाइगो को आप ट्रू वर्टाइगो में ऐसे होता है कि एक बंदा ये फील करता है कि उसके सराउंडिंग में जो चीज़ें हैं वो घूम रही हैं। समटाइम्स सुडो वर्टाइगो होता है, यानी उसमें मरीज़ खुद घूमना या ऐसा फील करता है कि वो खुद घूम रहा है। वर्टाइगो की कई अलामत हैं, मिसाल के तौर पर वर्टाइगो में चक्कर आते हैं, समटाइम नासिया है, दिल ख़राब होते हैं, वॉमिटिंग हो सकती है इसमें, यानी उल्टी कर देता है पेशेंट। और इसके अलावा जो है वो टाइनाइटिस हो सकती है, यानी कानों के अंदर घंटियाँ बजने का एहसास पाया जाता है। इसके अलावा जो है जैसे कानों को कहते हैं झप चढ़ जाते हैं, यानी फुलनेस ऑफ हेयर जो है, इस तरह की अलामत जो है ये वर्टाइगो में पाई जा सकती हैं। वर्टाइगो के आमतौर पर दो ग्रुप्स बनाए जाते हैं, यानी वर्टाइगो या तो यानी दो इसकी टाइप्स हैं, एक जो जिसको हम सेंट्रल वर्टाइगो कहते हैं और दूसरा जिसको पेरिफेरल वर्टाइगो कहते हैं। सेंट्रल वर्टाइगो खासतौर पे उन लोगों में होता है जहाँ पे ब्रेन के अंदर कोई ग्लिच आया था। अगर ब्रेन के अंदर कोई ट्रॉमा है, कोई चोट लग गई है, खुदा ना खास्ता कोई सीवियर ब्रेन इंजरी हुई है या ब्रेन के अंदर कोई ब्लीडिंग हो गई है, उसकी वजह से अगर स्पेसिफिकली हमारे ब्रेन का एक पीछे पार्ट होता है जिसको सेरिबलम कहते हैं, अगर सेरिबलम के पे चोट लगे, ट्रॉमा आ जाए या ब्रेन के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाए सेरिबलम एरिया के आसपास, तो फिर जो चक्कर आते हैं पेशेंट को, इस तरह की कंडीशन को हम सेंट्रल वर्टाइगो कहते हैं। जबकि पेरिफेरल वर्टाइगो में क्या होता है कि हमारा जो कान है इसका अंदरूनी हिस्सा किसी वजह से मुतासर हो जाता है, देर में भी या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, समटाइम वायरल इन्फेक्शन या समटाइम कोई और प्रॉब्लम हो जाता है जिसकी वजह से हमारे कान के अंदरूनी जगह पे जब कोई प्रॉब्लम होता है तो उसकी वजह से भी चक्कर आते हैं। तो इस किस्म का जो वर्टाइगो है उसको हम पेरिफेरल वर्टाइगो कहते हैं। तो पेरिफेरल वर्टाइगो की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं आप ये देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले आती है बिनाइन प्रॉक्सिमल पोजिशनल वर्टाइगो। बिनाइन प्रॉक्सिमल पोजिशनल वर्टाइगो खासतौर पर इसकी सिंगल एक अलामत देख ली जाए कि जब भी मरीज सर हिलाता है तो उसको चक्कर आना शुरू होते हैं। मरीज से जब भी आपको पूछेंगे वो कहते हैं जैसे ही मैं थोड़ा सा भी सर को इधर उधर हिलाता हूँ तो मेरी इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं ये घूमने लग जाती हैं, मुझे चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, दिल ख़राब होना शुरू हो जाता है, नासिया होता है, मतली होती है और समटाइम जो है मोशन सिकनेस भी इस मरीज़ के अंदर देखी जा सकती है। इस किस्म का जो वर्टाइगो है इसको हम बिनाइन प्रॉक्सिमल पोजिशनल वर्टाइगो कहते हैं। पेरिफेरल वर्टाइगो की दूसरी अहम टाइप जो है लिब्रेथाइटिस। लिब्रेथाइटिस खासतौर पे कान का एक हिस्सा है जिसको लिब्रिन्स कहते हैं। अगर इनमें किसी किस्म का इन्फेक्शन हो जाए, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर वायरल इन्फेक्शन जो कान के अंदर हो, तो वहाँ पे जो है जो कंडीशन जो डेवलप होती है उसको लिब्रेथाइटिस कहते हैं। ये खास किस्म का वर्टाइगो जो है इसमें मरीज में हेयरिंग लॉस भी देखा जा सकता है, उसको सुनने में स्मार्ट में प्रॉब्लम होती है और साथ साथ जो बॉडी की पोजीशन है उसकी इम्बेलिसमेंट भी इसके अंदर नज़र आती है। मरीज़ जो है वो चलते हुए लड़खड़ाता है या फिर समटाइम वो गिर भी सकता है। इस तरह का जो वर्टाइगो इसको लिब्रेथाइटिस कहते हैं। पेरिफेरल वर्टाइगो की तीसरी टाइप वेस्टिबुलर न्यूराइटिस है। वेस्टिबुलर न्यूराइटिस में बेसिकली हमारे कानों के अंदर जो वेस्टिब्यूल्स हैं और ख़ासतौर पे जो नर्व है जो कि कान के अंदर से आवाज़ के सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाती है, ऑडिटरी नर्व कहते हैं स्पेसिफिकली इसको, इस नर्व के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए तो इसकी वजह से जो वर्टाइगो जन्म लेता है उसको वेस्टिबुलर वर्टाइगो कहा जाता है। वेस्टिबुलर न्यूराइटिस जो है स्पेसिफिकली इसकी अलामत भी सिंपल वर्टाइगो की तरह, इसमें मरीज को चक्कर आते हैं, नासिया आता है, बैलेंस से मतलब प्रॉब्लम है, चलते हुए लड़खड़ा जाता है और समटाइम ये गिर भी सकता है, इस तरह की अलामत इसमें सुपरफिशली नोट की जा सकती है। पेरिफेरल वर्टाइगो की लास्ट जो टाइप है वो है मेनियर्स डिजीज। मेनियर डिजीज़ को आमतौर पर इडियोपैथिक एंडोलिम्फैटिक हाइड्रॉप्स भी कहा जाता है।
इस बीमारी में खास तौर पे आपको बैलेंस से मुतलक शिकायत सुनने को मिलती हैं या फिर हेयरिंग से मुतलक, यानी मरीज़ को वर्टिगो तो है, चक्कर तो आ ही रहे हैं, साथ साथ मरीज़ को जो है अपने बैलेंस के मुतलक कंप्लेंट्स होती हैं और साथ साथ समाप्त से मुतलक कंप्लेंट होती है। इन तमाम टाइप्स के ऊपर अलग अलग वीडियो रिकॉर्ड करूँगा डिटेल से, ताकि आप समझ सकें कि ये किस टाइप का या इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, कहाँ से ये प्रॉब्लम इनिशिएट होता है और कहाँ से ये प्रॉब्लम जो है हमारे पास किस तरह से ये अपनी अलामत को प्रेजेंट करता है और किस तरह इसको फिर ट्रीट किया जाता है। अगर आपको कंसल्टेंसी रिक्वायर है तो आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो काली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।